जिसकी लखीमपुर से इस वक्त मिल रही है और वो ये है कि कभी भी गिरफ्तार हो सकता है आशीष मिश्रा। पुलिस लाइन से कभी भी आशीष को बाहर ला सकती है क्राइम ब्रांच। न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा आशीष मिश्रा। पेशी से पहले आशीष मिश्रा का मेडिकल कराया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबूतों के आधार पर आशीष मिश्रा की जो गिरफ्तारी है वो तय है। दरअसल मारे गए ड्राइवर हरिओम की फोटो अहम सबूत बन गई है। पोस्टमार्टम के दौरान हरिओम पीले रंग की धारीदार शर्ट पहने था, जबकि हरिओम को थार जीप का ड्राइवर बताया था आशीष ने। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें थार को जो चला रहा है उसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं, जिसके बाद पुलिस का जो शक है वो गहराया है। हालांकि पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो पूछताछ हुई है आशीष मिश्रा से, कई सवालों का जवाब वो गोलमोल दे रहा है और कई सवालों के जवाब में उसने गलत जानकारी भी दी है। इसके अलावा लगातार जो सबूत पेश करने की बात की जा रही थी, तो आशीष मिश्रा कोई ऐसे ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया है जिससे ये साफ हो पाए कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। यानी अपने बचाव में वो ऐसा कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया है जिसकी वजह से उसका ये सच साबित हो जाए कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था जिस वक्त ये हिंसा हुई है। और इसीलिए ये समझा जा सकता है कि मुश्किलें जो हैं वो आशीष मिश्रा की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जो गिरफ्तारी है वो तय नजर आ रही है। यानी जो गिरफ्तारी की तलवार है वो फिलहाल आशीष मिश्रा के ऊपर लटकती हुई नजर आ रही है। हालांकि काफी लंबा वक्त हो चुका है, देखिए तकरीबन 8 घंटे बीत चुके हैं, लंबी पूछताछ चली है और इंतजार किया जा रहा है क्राइम ब्रांच के दफ्तर का दरवाजा खुलने का, क्योंकि जैसे ही दरवाजा खुलेगा तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो संभावना है वो ये है कि गिरफ्तारी हो सकती है आशीष मिश्रा की। ये अभी तक के अपडेट्स बता रहे हैं, अभी तक के तमाम जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसका लबोलुभाव ये बता रहा है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है तो मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया जाएगा और फिर जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा आशीष मिश्रा को। विवेक मेरे सहयोगी क्राइम ब्रांच के दफ्तर से लगातार डटे हुए हैं, लगातार 8 घंटे से वो भी मौजूद हैं, पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, अभी क्या ताजा जानकारी मिल रही है, अभी कितना वक्त और लगेगा? प्राची, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे और कोई बताने वाला भी नहीं है। 8.5 घंटे होने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमने एबीपी गंगा के दर्शकों को जो नज़ारा दिखाया था क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर, वो एक लाइन बना के घेरा बना के खड़े हुए थे और वो घेरा अब टूट चुका है। फोर्स मौजूद है यहाँ पे लेकिन घेरे में नहीं है, यानी अटेंशन मोड में नहीं है, अटेंटिव नहीं है, यानी अंदर से कुछ अभी ऐसी जानकारी नहीं आई है कि अभी तुरंत बाहर निकलना है या सुरक्षा घेरा बनाना है। जो सुरक्षा घेरा सुबह से लगातार बना हुआ था, आशीष मिश्रा के 10:36 पर सुबह वो इस क्राइम ब्रांच के ऑफिस आए थे, उनके आने से लगातार बना हुआ था, अब थोड़ा सा यह रिलैक्स मोड में है। ऐसा लग रहा है कि जब अंदर से ऑर्डर आएंगे, जब अंदर से कहा जाएगा कि बस अब तैयारी हो रही है, सुरक्षा घेरा बना देना है, गाड़ियां लगने लगेंगी और जो फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो अपना अटेंशन मोड पे उनको आने को कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो घेरा था, जो चारों तरफ से उस रास्ते से लेकर यहाँ पर और ये पूरा गेट घेर रखा था, उसके बाद ये घेरा बनाया जाएगा, सुरक्षा पुख्ता फिर से की जाएगी। अभी चूंकि 8:30 से लोग खड़े हुए हैं या उससे भी पहले से लोग खड़े हुए हैं, ये 11 बजे का समय दिया गया था आशीष मिश्रा को यहाँ आने का और ये माना जा रहा था कि 11 बजे ही वो आएगा, लेकिन वो अपने तय समय से करीब 24 मिनट पहले यहाँ पर आ गया और उसके बाद से जैसे उसने इस दरवाजे से एंट्री की है, जो आप सामने ये क्राइम ब्रांच का दरवाज़ा देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि अंदर आना सख्त मना है, इस दरवाजे से जब से एंट्री की है उसके बाद से अफसरों का आना जाना तो लगा रहा, लेकिन जो आशीष मिश्रा हैं और उनके साथ के जो लोग हैं, जो वकील 2-3 लोग आए थे, वो अभी तक बाहर इन खिड़कियों से उनका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर सिर्फ एक खिड़की आपको दिख रही है, एक खिड़की ऐसी है जो खोल के जिसको देखा जा सकता है, उस खिड़की से बीच बीच में कुछ लोग झांक कर देखते हैं कि बाहर का माहौल क्या है। माहौल देखने के बाद वो खिड़की वापस वैसे ही ढक दिया जाता है, वो देखने का जो एकमात्र अंदर देखने का जरिया है वो बंद कर दिया जाता है। इस दरवाजे से भी लोग आते जाते हैं, अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन सामान्य जो पुलिसकर्मी हैं, जो अन्य पुलिसकर्मी हैं, उनकी एंट्री बंद है। सिर्फ इस जाँच से जुड़े हुए लोग,
जो विशेष जांच टीम आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने बनाई थी। इसके अलावा जो डीजीपी मुकुल गोयल ने एक विशेष जांच टीम पर्यवेक्षण टीम बनाई थी उसके अधिकारी यहां पर अंदर मौजूद हैं, जिसमें जो पुलिस मुख्यालय के डीआईजी हैं उपेंद्र कुमार वो उस टीम के प्रभारी हैं, वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। और उसके अलावा जो एसपी के लखीमपुर के एसपी हैं वो भी यहाँ पर आए थे, लेकिन वो दोपहर में ही सुबह यहाँ पर मौजूद थे लेकिन वो दोपहर में ही यहाँ से चले गए। और कुछ अन्य उनको जो कार्रवाइयाँ हैं, जो बाहर की व्यवस्थाएँ, बाहर के तमाम इंतज़ाम हैं वो देखने थे, क्योंकि यहाँ पर दो टीमें काम कर रही हैं, एक तो जो पूछताछ करती है, बयान दर्ज करती है, लिखा पढ़ी का काम करती है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें, दूसरी टीम जो तमाम अन्य कार्रवाइयाँ करती हैं, उस जो बयान दिया गया है वो वीडियो में रिकॉर्ड भी किया गया है, उसको सुनकर उसको अक्षरशः उसी तरह से लिखना और उसके बाद उसकी एक स्क्रिप्टिंग करना, उसको तैयार करना, एक एक जैसा बोला गया है वैसे लिखना, उस बयान पे हस्ताक्षर कराना, विवेचक के हस्ताक्षर कराना, बयान लेने वालों के हस्ताक्षर कराना, और जो आशीष मिश्रा के साथ जो लोग हैं उनके भी हस्ताक्षर बतौर गवाह कराना या बतौर उनके जो लीगल एडवाइज़र हैं, जो वकील हैं, उस तरह से हस्ताक्षर कराना, ये प्रक्रिया हो रही थी। लेकिन वो भी प्रक्रिया काफ़ी देर पहले ख़त्म हो चुकी है। अब विलंब किस बात का है, ये दरवाज़ा कब खुलेगा, ये दरवाजे के पीछे राज कब सामने आएंगे, आशीष मिश्रा कब दिखेंगे, ये अभी तय नहीं है। कितनी देर लगेगी, बस हर पल ये बताया जा रहा है कि कुछ देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ देर, यही जवाब आ रहा है कोई भी अधिकारी। विवेक हाँ, कि तमाम हलचल, विवेक आप वहां पर इतने लंबे समय से मौजूद हैं, तकरीबन 8.5 घंटे का समय बीत चुका है, आप वहां पर मौजूद हैं, कि हलचल को आप बारीकी से देख रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, इस देरी की वजह क्या हो सकती है जो लगातार खिंचती चली जा रही है? देखिए प्राची, विलंब की वजह ये भी हो सकती है, चूंकि ये अंदर जो आदमी बैठा है आशीष मिश्रा वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का मतलब अमित शाह के बाद इस देश में दूसरे नंबर की पोजीशन वाला व्यक्ति, यानी बहुत मजबूत आदमी। ऐसे व्यक्ति के बेटे के ऊपर अगर आरोप लगा है तो उस आरोपों को अगर पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है, ऐसे आरोपी को, हत्या के आरोपी को अगर पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है, तो बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी, बहुत सारी जो दस्तावेज हैं उनको एक एक करके सब जो फर्द तैयार होती है उसमें लगाना होगा। कहीं भी एक छोटी सी भी चूक पुलिस के गले की हड्डी बन सकती है, मुसीबत बन सकती है, कोर्ट में पुलिस को लताड़ा जा सकता है, चूँकि इस मामले में शुरुआती लापरवाही करके पुलिस सुप्रीम कोर्ट में फटकार झेल चुकी है। इसलिए अब दोबारा यहाँ पे अगर गिरफ्तारी की बात जैसी सामने आ रही, जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाना है, तो पुलिस कोई भी कमी नहीं करना चाहती, कोई लापरवाही नहीं करना चाहती, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती है जिससे पुलिस के ऊपर उंगलियां उठें, उनसे जवाब मांगा जाए। तो यहाँ पर विलंब इसीलिए हो रहा है, ये दरवाज़ा इसीलिए बंद है क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया फूंक फूंक के की जा रही है। और आपको बता दें कि कुछ लीगल एडवाइज़र जो पुलिस के पक्ष के होते हैं, उन लीगल एडवाइज़र से भी सलाह ली गई है, बात की गई है, जो लिखा पढ़ी अंदर हो रही है, जो उनसे कागजातों पे जो दस्तखत कराए जा रहे हैं, वो कहीं बाहर बैठे हुए जो कानून के जानकार हैं उनसे लिखवाए जाने हैं, लिखवाए जाकर फिर यहाँ पर वो कागजात आते हैं, फिर वो उनसे साइन कराया जाता है, उसके बाद वो कागजात बाहर लेके उसी लीगल जो इनके एडवाइज़र हैं पुलिस के, जो कानून के जानकार हैं, जिनसे मदद ली जा रही है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, उनको दिखाया जाता है, 4 बार उसकी क्रॉस चेकिंग कराई जा रही है कि कहीं भी, क्योंकि कल ये मामला मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, कोर्ट में जाएगा, इस पर फिर सुनवाई होगी, चार्जशीट होगा, तो तमाम अभी आगे की लंबी प्रक्रिया, उसके पहले पुलिस कागजी लिखा पढ़ी, कागजी कार्रवाई मजबूत कर लेना चाहती है। शायद इसी वजह से इतना विलंब हो रहा है, इतनी देर लग रही है, ये दरवाज़ा खुलने में इतना टाइम लग रहा है। और जो देखिए फोर्स का मूवमेंट फिर से यहाँ पर शुरू हो गया है, जो फोर्स अभी हम देख रहे थे कि यहाँ से हट गई थी, वो लोग वापस आना शुरू हो गए हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा इशारा हुआ होगा कि यहाँ पर फिर से एक बार इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर सुरक्षा घेरा बना दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। देखिए एक एक करके पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तैनात थे, सुबह 10 बजे से ये जो पुलिसकर्मी तैनात थे, कुछ देर के लिए यहाँ से हटे थे, चूंकि थोड़ा रिलैक्स मोड था, अंदर से कोई निर्देश नहीं आया था इसलिए यहाँ से हटाए गए थे, लेकिन अब फिर से वो पुलिसकर्मी यहाँ वापस आने लगे हैं। तो ज़रूर ये हलचल बता रही है कि कोई अंदर
इस तरह की इनको निर्देश मिला है कि गेट के बाहर सुरक्षा घेरा कस दें, व्यवस्था कर लें। और जो बाहर हमने दिखाया था अभी अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को, जो मेन गेट के आसपास पुलिस फोर्स आपने देखा था कि सामने की तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ जो तीनों रास्ते हैं वो पूरी तरह से पैक कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी पर्सनल से पैक कर दिए गए हैं। वहाँ पर विंडशील्ड लेके और तमाम जो बॉडी प्रोटेक्टर हैं, हेलमेट लगाए हुए पुलिसकर्मी तैनात थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग तैनात थे, एसएसबी के भी जो समर्थक हैं आशीष मिश्रा के, उनका जमावड़ा क्या अभी भी आपको नजर आता है? क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है, तकरीबन 10:30 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई है और अब देखिए 7 बजे का वक्त हो गया है, 7:11 हो रहे हैं, यानी 8 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। तो क्या अभी भी जमावड़ा है समर्थकों का? बिल्कुल, हमारे साथ ये यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं आशीष मिश्रा के। अभी गुप्ता जी से हमने बात की थी। गुप्ता जी, ये बताइए आप कितनी देर से यहाँ पर? मैं करीब 1 बजे से हूँ और बाबा जी पे मुझे विश्वास है, जो नीम करोड़ी में बाबा हैं उन पर मुझे विश्वास है कि आज के गृह मंत्री का बेटा मोनू ये कार्यक्रम स्थल पर ही था, तो इसीलिए विश्वास करके मैं बाबा जी के विश्वास पे आया हूँ कि गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती है। अगर नहीं होगी तो बाबा जी का विश्वास खराब हो जाएगा। तो आपको बाबा जी पे ज़्यादा विश्वास है या कानून पे ज़्यादा विश्वास है? दोनों पर विश्वास है, दोनों पर विश्वास है। अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो? नहीं तो हम फिर अफसोस होगा, मुझे शर्मिंदा होगा, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मैंने सबसे कह रखा है कि मैं 11-12 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, 65 साल की मेरी उम्र है, एक टांग से खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं, तो मुझे शर्मिंदगी हो जाएगी। ये बताइए कि आपको लगता है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा निर्दोष है? निर्दोष है। कैसे लगता है? क्या आप उस दिन कार्यक्रम में थे? मैं कार्यक्रम में नहीं था जब उप मुख्यमंत्री जब आए थे। बिल्कुल, और देखिए आराधना मिश्रा कांग्रेस नेता इस वक्त जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। आराधना जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, 8:30 घंटे का वक्त बीत चुका है, आशीष मिश्रा अभी भी दफ्तर में हैं, गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए ये सच की जीत है। आज कम से कम जो जिन लोगों ने इतनी निर्मम हत्या हुई किसानों की और इतना बड़ा मुहिम सबने चलाया, प्रियंका गांधी ने अरेस्ट हुई, सब कुछ हुआ, पर मैं मानती हूँ सबसे बड़ी चीज आज अगर हुई है तो उन किसानों की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर एक ये तो जांच का विषय है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन निर्दोष है कौन दोषी है, ये तो कानून अपना काम करेगा। पर आवश्यकता ये है कि कम से कम अगर आरोप किसी व्यक्ति पर है तो उसको अरेस्ट होना चाहिए, पुलिस अपना काम करे, अपनी जांच करे। हमने तो मांग करी है कि दो मांग है हमारी कि ये जो भी SIT जांच करे या कोई भी एजेंसी जांच करे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरोपी कौन है, इस देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा है जी, तो इसलिए आवश्यक है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो संवैधानिक कार्रवाई है वो होनी चाहिए, हमारी मूल मांग थी जी। तो आराधना जी, अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है, अब उससे संतुष्ट है विपक्ष? देखिए, हमने प्रियंका गांधी जी ने और हम सब लोग की एक ही मांग थी कि सबसे पहले तो नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था जी। क्योंकि आरोप उनके ऊपर लगा था कि उनके बेटे पे लगा था और ये उनकी जानकारी में घटना है, ऐसा आरोप लगा था जी। तो अगर इस देश के गृह राज्य मंत्री पर इस तरह का अपराध का उनके बेटे के ऊपर आरोप लगता है तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, तो इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अगर वो नहीं इस्तीफा देते तो सरकार को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। अगर निर्दोष पाया जाए बच्चा, उनका बेटा निर्दोष है, तो दोबारा सरकार उनकी उनको फिर से मंत्री बना देगी, इसमें दिक्कत क्या है? और दूसरा, तत्काल आरोपियों को, चाहे वो ये जो इनका बेटा है या और भी जो आरोपी हैं, उनको तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, यही हमारी दोनों मांग थी। और तीसरी कि इसमें जो जांच हो, SIT की जांच हो, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का कल का है,
अगर सर इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया होता, आप जितनी भी बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में हुई है, आप मुझे एक घटना बड़ी बता दीजिए जो बिना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई की हो। इस घटना में भी सो मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तभी तो आज सरकार हरकत में आई है, वरना 5-6 दिन बीत गए इस घटना को, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, इसका जवाब कौन देगा? तो मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सख्त निर्देश है इसका पालन करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, अरेस्ट करेगी और एक निष्पक्ष जांच होगी। बिल्कुल, देखिए आराधना मिश्रा जी, अभी तक के जो कदम सरकार की तरफ से उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद, इन कदम को लेकर आप क्या कहेंगी? क्या सरकार के कदम अब सही दिशा में जा रहे हैं या अभी भी कोई कमी है जिसको लेकर विपक्ष फिर से आवाज उठाएगा? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये दुखद है कि लगातार बड़ी घटनाएं, चाहे उन्नाव की हो, शाहजहांपुर की हो, या ये लखीमपुर की घटना हो, इसमें तो सरकार को तत्काल खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें तो सारे वीडियो जो पूरे मीडिया ने दिखाए, आपके चैनल पे देखे, दुनिया ने देख लिए, इस आधार पर इसमें तत्काल पहले अरेस्ट करके कार्रवाई, सरकार को अपनी जांच शुरू कर देनी चाहिए थी। हमने तो और कुछ नहीं कहा, पूरे विपक्ष ने कुछ नहीं कहा, प्रियंका जी ने यही तो कहा ना कि अरेस्ट करके आप जांच करिए, अगर निर्दोष है तो उसको छोड़ दीजिए, पर अगर वो दोषी है, किसान के हत्याओं के दोषी है, तो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार को मैं कहूंगी कि जितनी भी बड़ी घटनाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चाबुक के बाद ही सरकार की नींद खुलती है, फिर चाबुक चला कल तो फिर नींद खुली सरकार की। और मुझे मैंने कहा कि फिर मुझे विश्वास है कि ये अरेस्ट होंगे और इनके खिलाफ जांच होगी, और जांच के बाद जो कार्रवाई है, जो संवैधानिक कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आराधना जी हमारे साथ जुड़ने। और बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं, किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। बहरहाल 3 तस्वीरें इस घटना से जुड़ी हुई इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने हैं, उस वक्त की जब आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा, पुलिस से पूछताछ उसकी हुई, तकरीबन 6 घंटे पूछताछ चली, और वो बंद दफ्तर का कमरा हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी वाली तस्वीर में, जिसमें आशीष मिश्रा है, उससे पूछताछ चल रही है, यानी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा पुलिस लाइन में किस तरीके से सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है वो भी आप लगातार देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, इसके साथ SSP के जवान भी तैनात किए गए हैं, तमाम जो जरूरी प्रिकॉशंस हैं वो पुलिस ने लिए हैं ताकि किसी प्रकार के माहौल में किसी प्रकार का कोई तनाव पैदा ना हो जाए, इसी लिहाज से तमाम तैयारियां की गई हैं। बहरहाल इंतजार किया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच के दफ्तर का वो कमरा जिसमें आशीष मिश्रा से पूछताछ हुई थी, उस कमरे का दरवाजा कब खुलेगा, कब अधिकारी उसको लेकर बाहर आएंगे, कब आधिकारिक तौर पर कोई चीज सामने आएगी, क्योंकि अभी तक जो इंटरनल सोर्सेस बता रहे हैं, जो जानकारी छनकर इस कमरे से बाहर तक आ रही है, उसके मुताबिक आशीष मिश्रा फंसता हुआ नजर आ रहा है अपने कई बयानों पर, अपने कई जवाबों पर, और उनसे उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी जानकारी अभी तक मिल रही है।